सत श्री अकाल लोकरण पंजाबी ते स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू इस वेले मैं मौजूद हाँ शाहबाद के। शाहबाद के गुरनाम सिंह चुड़ुनी होर वालों एम एस पी लैके सूरजमुखी की एम एस पी लैके एक प्रोटेस्ट सरजिया गया सी, जिदे च हरियाणा बीजेपी की सरकार ते प्रशासन वालों लाठीचार्ज करके किसानों के उस धरने खुरद बुरद करने की कोशिश की गई, जिदे च कई किसान जख्मी होए ते किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ुनी 14 दिनों की हिरासत के भेजता गया। गुरनाम सिंह चुड़ुनी पुलिस वालों हरियाणा की पुलिस वालों गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उस रोस वजो हरियाणा के किसानों वालों शाहबाद जिहड़ा लाड़वा रोड है वह जाम किया गया। तुसी मेरे पिछे देख सकते हो कि जिहड़े किसान ने गुरनाम सिंह चुड़ुनी के हक के उन्होंने जथेबंद के किसान बैठे ने, तमाम देशों के जिहड़े नामवर किसान ने वो इत्थे पहुँच रहे हैं। तो इसे नूं प्रमुख रखदिआं एक 12 तरीक की कुरक्षेत्र के जिहड़ी हैगी है एक किसान महापंचायत भी रखी गई है, जिद चों वड्डे तमाम जिहड़े किसान आगू ने उहदे च हिस्सा लैणगे। इत्थे हुण गुरनाम सिंह चुड़ुनी होरां दी सपोर्ट दे विच अभिमन्यू कुहाड़ भी पहुंचे हुए ने, या होर जिहड़े लीडर ने नेता ने वह भी पहुंचे हुए ने। आपां गलबात करांगे कि आखिर जिहड़ा सारा मामला की गलबात हुई जिस करके पुलिस नूं लाठीचार्ज करना पिया। लाठीचार्ज करन तों बाद गुरनाम सिंह चुड़ुनी होरां नूं निरायक हिरासत दे विच लै लिया गया। साढ़े नाल अभिमन्यू कुहाड़ साहब मौजूद ने। कुहाड़ साहब स्वागत है थोड़ा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी आपको, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। नमस्कार कुहाड़ साहब, गुरनाम सिंह चुड़ुनी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, सूरजमुखी की एम एस पी का रौला सी, तो हुण एक तो किसान महापंचायत रखी गई है, तो इस अलावा होर की कर रही है यूनियन? देखो सबसे पहले तो हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो 6 तारीख को प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा किया गया ये पूरे किसान समाज के ऊपर हमला है, ये किसी एक संगठन या किसी एक प्रदेश या किसी एक जिले के किसानों के ऊपर हमला नहीं है, ये हम सब के ऊपर हमला है। और सब एकजुट होकर सब मिलजुल के 12 तारीख को जो पीपली में महापंचायत हो रही है सारे संगठन इकट्ठे होंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये सरकार शायद भूल गई कि जब 3 कृषि कानून लाए गए थे तो उस समय भी जब पीपली में यहाँ पे गुरनाम सिंह चुड़ुनी के नेतृत्व में ही पंचायत रखी गई थी तो उस समय भी सरकार ने प्रशासन ने लाठियां चलाई थी, लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। जगह जगह पंजाब में जब आंदोलन चल रहा था, हरियाणा के अलग जगह आंदोलन चल रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि लाठी मारेंगे, इनके सर फोड़ के जेल में डाल के इनको आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि 100 गुना ज्यादा मजबूत आंदोलन 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचा था। तो ये जो किसान कौम है ये किसान कौम दबने वालों में से नहीं है, ये किसान कौम झुकने वालों में से नहीं है। जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा उतना ही जबरदस्त जोरदार पलटवार किया जाएगा। अब जो आगे का फैसला होगा वो आगे का फैसला 12 तारीख को लिया जाएगा। और आज पूरे देश को एक बात समझने की जरूरत है, पूरे देश को ये समझना चाहिए कि आखिर ये सरसों का एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा, सूरजमुखी का एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे का जो रीजन है वो आज देश के लोगों को समझना चाहिए। भारत में एक समय स्थिति यह थी कि जितना हमें खाद्यान्न तेल चाहिए थे भारत के अंदर उसका 97 प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर ही होता था, मात्र 3% बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मर ग्रुप के साथ समझौता करके पाम ऑयल को इंपोर्ट कराना शुरू किया तो अडानी का पाम ऑयल इंपोर्ट हो पाए, इसीलिए हमारे यहाँ पे सूरजमुखी के किसानों को, सरसों के किसानों को, तिल के किसानों को एमएसपी देना बंद कर दिया गया। जब किसानों को एमएसपी मिलना बंद हुआ तो किसानों ने उस फसल की खेती करनी बंद कर दी, उस फसल की खेती करनी बंद हुई तो इन्होंने कहा कि भाई कमी होगी तो ये तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, तो पाम ऑयल मलेशिया इंडोनेशिया से मंगवाया जाने लगा। पाम ऑयल का सबसे बड़े इंपोर्टरों में से एक है गौतम अडानी, तो गौतम अडानी को इंपोर्ट करके सबसे अधिक फायदा हो फॉर्च्यून ग्रुप में, ये किसका है, ये अडानी ग्रुप का है। और ये जितने भी ये रिफाइंड वगैरह जो ये फॉर्च्यून के हैं ये इंसान की सेहत के लिए भी खराब है और देश की इकोनॉमी के लिए भी खराब है और किसानों के लिए तो इनका इंपोर्ट खराब है ही है। तो सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के किसानों को इस सरकार ने सड़कों पर बैठा के रख दिया है। 12 तारीख का प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र के विच, उधर जी किड़े-किड़े किसान आगुआ ने पहुंच कर। देखिए जितने भी दिल्ली के मोर्चों पर जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें जितने भी किसान संगठन शामिल थे, जितने भी किसान नेता शामिल थे, सारे के सारे किसान नेता और किसान संगठन 12 तारीख को पीपली पहुंचेंगे। वो सारे समाज की पंचायत है, पूरे किसान समाज की 36 बिरादरी की पंचायत है और सब उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। कल साडी इंटरव्यू सी बलदेव सिंह सिरसा साहब नाल, उन्होंने मैं पूछा कि हरियाणा के लाठीचार्ज होया उसदे तुसीं की कहोगे, वो कहिंदे कि ये तो साडी देण है, साडे किसान आगूआं दा आह पलायन सी कि असीं इलैक्शन लड़नी है। गुरनाम सिंह चुड़ुनी ने भी सब तो पहला मिशन पंजाब लैके चले सी, उस तों बाद उह बलबीर सिंह राजेवाल ते बोले कि SSM बनाया गया सी जेकर चोणां ना लड़दे, जेकर जां अज लाठीचार्ज हुंदा किसानां दे सिर फुट जा रहे हैं तां इहदी जिम्मेवार खुद किसान लीडरशिप है। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, अब वो कोई भी कारण रहा हो,
जो आंदोलन खत्म होने के बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा में बिखराव हुआ, हम उस बात में नहीं जाते कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, लेकिन जो बिखराव हुआ जिन भी कारणों से हुआ, उस बिखराव का फायदा सरकार निश्चित तौर पर उठाने की कोशिश कर रही है, ये एक हकीकत है। अगर हम एकजुट हो जाएंगे, भाई ठीक है विचार सबके अलग हो सकते हैं, संगठन सबका अलग हो सकता है, लेकिन जब बात खेती की आए, जब बात किसानी की आए, तब हम यदि एक मंच पे एक स्ट्रेटजी बना के एक रणनीति बना के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर सरकार हाथ डाल दे। तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि भाई किसानी के मुद्दों पे, देखिए पूरा हर विचार सबके अलग अलग होते हैं, बाप बेटे के विचार भी अलग है, भाई भाई के विचार भी अलग है, भाई बहन के विचार भी अलग है। अब मोर्चे में भी उस समय बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई चुनाव में नहीं जाना चाहिए, चुनाव से हमें दूर रहना चाहिए, हम आंदोलन के लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये था कि भाई चुनाव जाएंगे तो सवाल उस पर तो मतभेद बढ़ते रहेंगे, वो आगे भी उस विषय पे मतभेद रहेंगे चुनावी राजनीति के विषय पे, लेकिन जब बात खेती किसानी की है, जब बात एमएसपी की है, तो एमएसपी पे सारे किसान एकजुट हैं। किना कारण करके किसान वखो वखरे हुए, एसकेएम तो फाड़ होया, रिव्यू कितना किसान अगुवान? देखो उससे कई कारण थे उसके, देखिए एक आपको पंजाब की मीडिया ने तो काफी उस चीज को कवर भी किया है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो चार लोग थे जिन्होंने चोरी छिपे सरकार को चिट्ठी लिखी, उसके बारे में सबको मालूम है वो कौन कौन थे। उस चीज के बारे में जब मीटिंगें होती थी अंदर, हमारे हरियाणा वाले साथियों ने भी और संगठनों ने भी, पंजाब के भी बहुत संगठनों ने बार बार सवाल पूछा कि भाई मीडिया के माध्यम से ये चीज निकल के आ रही है कि कोई सरकार से बातचीत कर रहा है चोरी छिपे, बताओ कौन कर रहा है, तो वो लोग मना कर देते थे कि नहीं कोई बातचीत नहीं कर रहा, चार व्यक्ति थे वे। तो उसके बाद जब वो सारी चीजें निकल के आई सामने, अब तो बूटा सिंह ब्रुजगिल का संगठन के भी दो फाड़ हो गए, मंजीत धनेर अब तो खुल के बोल रहे हैं जो उन संगठन से अलग हो गए, वो सारी बातें बोल रहे हैं कैसे कैसे ये चिट्ठी लिखने में शामिल थे, कैसे कैसे ये सरकार से कृषि मंत्री से चोरी छिपे मीटिंग कर रहे थे, मंदी पुनिया ने किताब भी लिख दी। तो जो चार लीडर थे जो सरकार से बैकडोर से बातचीत कर रहे थे, उनकी एक मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ, क्योंकि मोर्चे को वो चीजें उनको बतानी चाहिए थी समय पे। अभिमन्यु किसान लीडरां दे विच लीडरशिप क्वालिटी दी घाट सी, मैनेज नहीं कर पाए। देखो क्या होता है कि है सारे किसान ही, ऐसी बात नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। आप आजादी का आंदोलन उठा के देखिए, देश का आजादी के आंदोलन में गर्म नेता भी थे, नरम नेता भी थे, हर तरीके के नेता थे, और उससे बनके ही सारा समाज चलता है। हम ये नहीं कहते कि भाई कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसका ही तरीका ठीक है, गर्म नेताओं की भी जरूरत होती है, गर्म सोच की भी जरूरत होती है, नरम नेताओं की भी जरूरत होती है, सारी चीज चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन जो एक तो वो चिट्ठी लिखने वाली घटना हुई उससे एक अविश्वास बहुत ज्यादा पैदा हुआ आपस में। दूसरा जो एक इशू था जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, वो ये था चुनाव लड़ने वाला विषय। बहुत सारा एक बड़ा तबका ये सोचता है कि भाई चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, कुछ साथी ये भी सोचते हैं कि नहीं भी चुनाव लड़ने से ही किसान समाज का भला होगा। तो मंजिल सबकी एक है, मंजिल सबकी यही है कि किसान का भला होना चाहिए, लेकिन उसमें रास्ते उनमें अलग अलग है। किसानों के जो आम किसान ने उन्होंने विश्वास नु दा सट लगी है। देखो क्या है, क्योंकि मैं दस दूं बीजेपी सरकार ने तीन खेती कानून वापस ले ले, वापस लेने तो बाद किसान या हरियाणा के किसान वैसे अपने वेस्ट यूपी के किसान या पंजाब के किसान ये गल सोचते सी कि कानून तो वापस हो गए, उस तो बाद किसानी दी जिहड़ियां वड्डियां समस्यावां ने उन्हां समस्यावां दे उत्ते किसान आगू हुण लड़नगे, एकजुट होकर लड़नगे, पर वह लड़ चोणां पए समस्या ते नहीं लड़े। जिहड़ी इलैक्शन दा प्रोसैस सी उसने एसकेएम नूं सैट मारी, उसने वड्डी पद्धर उत्ते एक निराशा दा आलम खड़ा किया सारे ही किसानां दे विच। की अगे भी कोई इहो जिहा प्लान हैगा, हरियाणा दे विच इलैक्शन आउणी है, राजस्थान दे विच इलैक्शन आउणी है, कि किसान आगू वह अपनी अपनी स्टेटां दे विच हैगे ने चोण लड़नगे? देखिए हम तो अपनी बता सकते हैं कि हमारा इलेक्शन लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। पंजाब के जो हमारे साथी हैं, चाहे डल्लेवाल साहब हों या दूसरे हों, उनका भी इलेक्शन लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए आप गांव में जाके अपने अपने गांव में हम एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जब चुनाव का समय आता है कितने परसेंट लोग हैं जो अपने मुद्दों पर वोट डालते हैं। ये बात आज से 45-50 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी किसान समाज के बारे में, मजदूर समाज के बारे में। उन्होंने कहा था ये किसान मजदूर समाज उन्हें 5 साल तो आंदोलन लड़ेगा, लठ खाएगा, धरने देगा, सड़कों पे बैठेगा, सारे काम करेगा, लेकिन जब 2.5 महीने वोट की चोट का समय आता है तब राजनीतिक पार्टियां इसको जाति धर्म के नाम पे बांट के इनकी वोट बिखेर देती हैं, इनकी वोटों का बिखराव हो जाता है, और फिर वही लोग राजनीति में सत्ता में आ जाते हैं, और फिर वो 4.5 साल जनता का शोषण करते हैं, जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसानों के साथ गलत करते हैं। उन्होंने ये कहा चौधरी चरण सिंह ने, जब तक हमारा किसान समाज अपने किसानी के मुद्दों पर
वोट डालना शुरू नहीं करेगा तब तक ये राजनीतिक पार्टी इस किसान समाज को ऐसे ही फुटबॉल बना के रखेंगी, कोई इधर की लात मारेगा कोई उधर की लात मारेगा। एक राजनीतिक पार्टी चोर है तो दूसरी डाकू है, तीसरी उससे बड़ी लुटेरी है। पहले वालों ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी थी, बीजेपी वालों ने तो बिल्कुल ही बंटाधार कर दिया, वो किसान का 20% नुकसान करते थे, बीजेपी वाले तो बिल्कुल 100% से भी ऊपर किसान का लगातार नुकसान कर रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। तो सवाल क्या है, अगर हमारा समाज इतना जागरूक हो जाए, देखिए अमेरिका की डेमोक्रेसी है, अब अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनकी लाइव डिबेट होती है टीवी के ऊपर, एक डिबेट होगी एग्रीकल्चर विषय पे, एक डिबेट होगी फॉरेन विषय पे, फॉरेन पॉलिसी के विषय पे, एक डिबेट होगी डिफेंस पॉलिसी की पे, एक डिफेंस होगी एजुकेशन के ऊपर, एक डिफेंस होगी इकोनॉमी के ऊपर, एक डिफेंस होगी हेल्थ के ऊपर। वहां का लोकतंत्र 200 साल पुराना है, वहां का लोकतंत्र इतना मैच्योर हो गया कि वहां के लोग अपने इशू पे वोट डालते हैं, हमारा लोकतंत्र लगभग 75 साल पुराना है। जिस दिन हमने किसान समाज में इतनी जागरूकता ला दी कि हमारा किसान अपनी एमएसपी पे वोट डाले, हमारा किसान अपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने पे वोट डाले, हमारा किसान कर्ज मुक्ति के मुद्दे पे वोट डाले, हमारा किसान फसल बीमा योजना में सुधार के मुद्दे पे वोट डाले, हमारा किसान उचित जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे पे वोट डाले, जिस दिन हम किसान बनके वोट डालने लग जाएंगे उस दिन यदि कोई किसानी के नाम पे इलेक्शन लड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन वो बनेगा भी, एमएलए भी बनेगा, एमपी भी बनेगा और पॉलिसी भी चेंज करेगा। लेकिन जब तक वो जागृति नहीं आती किसान समाज में कि वो अपने इशू पे वोट डालना शुरू करे, तब तक यदि हमारा कोई साथी इलेक्शन लड़ेगा भी, चाहे वो कितना ही लोकप्रिय कितना ही बड़ा लीडर हो, तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहता, ये इतिहास बता रहा। आखिरी सवाल, गुरनाम सिंह चलूनी होरे किस जेल दे विच रखा गया, उन्होंने किस दोष के तहत गिरफ्तार किया गया, उन्होंने ते अगे दा हुण प्रोसेस की है? देखिए दोष तो उनका कुछ नहीं है, सरकार इस बात को दोष मानती है कि उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी की लड़ाई लड़ी, और अगर एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना ये दोष है तो सारे किसान, पूरे भारत के करोड़ों किसान ये दोष करने को तैयार है। और देखिए एक चीज है, हमने एक बात देखी है, 2013-14 से जब हम छात्र आंदोलन से निकल के किसान आंदोलन में आए थे, तो उस समय 2014 में जब बीजेपी की सरकार बन गई थी तो एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा पंजाब में बड़ा आंदोलन चला था, बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, तो हम उस आंदोलन में सबसे पहले किसान आंदोलन में आए थे और उसमें गुरनाम चढ़ूनी हरियाणा में एक अग्रणी भूमिका में थे। तो हम उस समय से लेकर अब तक देख रहे हैं, 2018 में गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अन्य संगठनों के साथ हमने कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा भी की। हम एक बात कहना चाहते हैं, हाँ हमने एक बात देखी है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी समझौतावादी व्यक्ति नहीं है, वो बीच का रास्ता निकालने की कभी बात नहीं करते, वो ये कहते हैं कि वो रास्ता निकालेंगे जिससे किसान को फायदा होगा, वो दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, वो स्टैंड लेते हैं, अड़ने वाले हैं, लोगों के लिए डटने वाले हैं। तो ईमानदार किसान नेता है, मजबूत किसान नेता है, हमारे कोई और विषयों पे चुनावी राजनीति के विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसान की बात आएगी, जब बात एमएसपी की बात आएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात आएगी, जमीन बचाने की बात आएगी, तो सब लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और आप 12 तारीख को देख लीजिएगा कि अकेले अब ये सरदार गुरनाम सिंह जी का वो नहीं है कि भाई सरदार गुरनाम सिंह जी, अब सारे ही सरदार गुरनाम सिंह जी हैं और सारे रल मिलकर एकजुट होकर आंदोलन लड़ेंगे। शुक्रिया गलबात लई। दोस्तों मेरे नाल सी अभिमन्यु कुहाड़। गुरनाम सिंह चढ़ूनी नूं गिरफ्तार किया गया, हिरासत दे विच भेजा गया, उन्होंने जेल दे विच, उस नूं लैके हरियाणा दे विच वड्डे थां थां दे उत्ते प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ते असीं शाहबाद दे विच मौजूद सी जिथे गुरनाम सिंह चढ़ूनी दे हक दे विच सैकड़े किसानां वल्लों रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं।